कैसे हो बच्चों? बच्चों हम पाठ पढ़ रहे हैं पापा जब बच्चे थे। तो जब पापा बच्चे थे और कभी कभी जब हमारे पापा छोटे थे हम उनकी बात सुनते हैं तो हमें भी बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कैसे कैसे करते थे। जिस तरह से हम शैतानी करते हैं तो हमारे पापा भी जब छोटे थे तो वो भी ऐसे ही शैतानी किया करते थे। तो बच्चों हम इस पाठ के अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न उत्तर। बच्चों प्रश्न है क्या? सभी को क्या सुनकर अचंभा हुआ? सभी को क्या सुनकर अचंभा हुआ? इसका उत्तर है बच्चों, पापा ने कहा शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ये बात सुनकर सभी को अचंभा हुआ। ये बात सुनकर सभी हैरान हो गए। खैर, आइसक्रीम का ठेला कहाँ खड़ा किया जाएगा? बच्चों इसका उत्तर है, आइसक्रीम का ठेला रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया जाएगा, क्योंकि पापा वहाँ शटिंग भी करेंगे और अपना ठेला भी वहीं खड़ा कर लेंगे। अब गै, पापा ने दोनों कामों के बीच कैसे तालमेल बैठाने का सोचा? पापा ने कहा सुबह आइसक्रीम बेचकर कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा और फिर आइसक्रीम बेच लूँगा। इस तरह उन्होंने तालमेल बैठा लिया। अब बच्चों प्रश्न है घ, दूर एवं मुश्किल शब्द के विलोम शब्द लिखिए। दूर शब्द का विलोम है पास और मुश्किल शब्द का विलोम है आसान। ड, आश्चर्य शब्द का समानार्थी शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। बच्चों आश्चर्य समानार्थी शब्द है अचंभा। क्या है? अचंभा। अब प्रश्न नंबर 6, किसने क्यों कहा तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे? किसने कहा बच्चों? माता पिता ने। माता पिता ने कहा क्योंकि वे पहले चौकीदार बनना चाहते थे। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? पापा ने कहा क्योंकि उन्हें यह अच्छा लगता था कि जब सब सो जाएं तो वह खूब जोर से शोर मचाएं। तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? किसने कहा? अफसर ने। क्योंकि वह उन्हें बताना चाहते थे कि इंसान किसे कहते हैं। घ, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। किसने कहा? पापा ने। वे समझ गए थे कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सवाल, पापा से बार बार सवाल पूछा जाता था। खैर, अचानक पापा ने अचानक अपना इरादा बदल दिया था। अब बच्चों प्रश्न नंबर 8, गैर, चालक, चालक पापा वायुयान चालक बनना चाहते थे। यात्रा, रेल यात्रा सबसे आरामदायक है। डे, असली, अब पापा को यह बात समझ में आ गई थी। अब पापा को असली बात समझ में आ गई थी। बच्चों यहाँ आपको असली लिखना होगा, यह कीजिएगा। अब पापा को असली बात समझ में आ गई थी, यहाँ यह लिखा गया गलती से। अब बच्चों व्याकरण भाषिक कार्य, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वाक्यों में उचित कारक चिन्ह भरिए। एक, पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी। क्या बनने की? शटिंग वाला। अब नंबर 2, रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। नंबर 3, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। नंबर 4, यह आदमी इंजनों और डिब्बों का खेल खेल रहा है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों में से संज्ञा सर्वनाम छांटकर लिखिए। बच्चों
जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सेटिंग कहते हैं। बच्चे इसमें संज्ञा शब्द आएंगे, रेलगाड़ी, इंजन और ईंधन पानी। सर्वनाम शब्द में अपनी, उसे, इसे। अब प्रश्न नंबर 11, जब कोई शब्द लगातार दो बार प्रयुक्त होता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, बार बार, आदि। ऐसे शब्दों को पाठ से ढूंढकर लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों देखो, यहाँ लिखा है शुरू शुरू। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। खेल खेल, मज़ेदार खेल खेल रहा था। इधर उधर, चारों हाथ पैर इधर उधर, चारों हाथ पैरों से इधर उधर भागते थे। कौन भागते थे? पापा। रोज़ रोज़, अपना इरादा रोज़ रोज़ नहीं बदल सकते। हम अपना इरादा रोज़ रोज़ नहीं बदल सकते और ना ही बदलना चाहिए, क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि ये तो रोज़ अपना इरादा बदल देता है, इसलिए इसे पता ही नहीं है कि ये क्या बनना चाहता है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 9, दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। बच्चों ये जो चित्र यहाँ दिया हुआ है, आप इसका वर्णन अपने शब्दों में करेंगे और स्वयं करेंगे। बच्चों हमारा ये पाठ यहीं पर पूरा हो गया है और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं ये आप अभ्यास पुस्तिका में ही करेंगे, और जो प्रश्न मैंने आपको बताया था वो सही करेंगे। धन्यवाद।